हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मी। दिस इज शीनम कटारिया। अच्छा, पढ़ाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज बारे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नैब द कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर दे लई पीपीएससी के अंदर तुहानू पता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आंदा है। ओके, अगर नैब दे अंदर द कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर दे अंदर तुहानू फंडामेंटल ड्यूटी तो कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो भी मैं तुहानू अज इस क्लास विच पढ़ावांगी ना फंडामेंटल ड्यूटीज बारे, तां तुसीं क्वेश्चन नू ईजली पेपर च सोल्व कर सकोगे, ये मेरा बिल्कुल दावा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटी दा नैब दे विच भी ते कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर च भी, तुसीं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तां तुसीं ईजली सोल्व कर सकते हो, ये अज क्लास देखण तो बाद। देखो, आप क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन नू पढ़दे हां, फिर तुसीं जिवें ही क्लास पूरी सुन लोगे तुसीं इस क्वेश्चन नू सोल्व कर पाओगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। हुण क्वेश्चन नू सोल्व किवें करना है वह भी मैं तुहानू इस वीडियो के अंदर दसन लगी हाँ। पहले तो ना आ पढ़िया करो कि उन्हें किस चीज़ बारे क्वेश्चन पूछा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी, फिर एंड ते आ जाया करो। उन्हें पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करैक्ट। इतने आ देखना बड़ा जरूरी है, उन्हें करैक्ट पूछा या उन्हें नॉट करैक्ट पूछा। पहला तो तुसी दोनों आ चीज़ा देखनिया ने, फिर हुण आ पढ़ना है अचार स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर उस तो बाद हम क्वेश्चन नू सोल किवें करना है, किवें ऑप्शनस नू जल्दी जल्दी कट करके आप आंसर ईजली वे दे नाल दे सकते हैं। देखो, फस्ट स्टेटमेंट देखो तुसी की है। फस्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिशिएबल इन नेचर। ओके, इस स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। पहले मैं तुहानू सिर्फ ये डिस्कस कर दिंदी हाँ, वीडियो वेखन तो बाद आप इस क्वेश्चन नू सोल्व करांगे, ठीक है। पहले मैं तुहानू दस दिनी हाँ, एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स, पार्लियामेंट इज़ फ्री टू इनफोर्स दैम बाय सुटेबल लैजिसलेशन। आप पहला पूरा फंडामेंटल ड्यूटी बारे पढ़न तो बाद फिर आप इस क्वेश्चन नू सोल्व करांगे। हुणे आप इस क्वेश्चन नू सोल्व नहीं करना, ठीक है। फिर तुसी भी क्लास देखने तो बाद ईजली वे दे नाल क्वेश्चन नू सोल्व कर पाओगे। ओके, आ चार स्टेटमेंट ने, मैं तुहानू एक एक करके पढ़ाती हाँ। हुण आप चलते हाँ, पहले फंडामेंटल ड्यूटीज बारे सारा कुछ पढ़ते हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फिर आप इस क्वेश्चन नू सोल्व करांगे, ठीक है। तुसी बिल्कुल ईमानदारी नाल क्लास वेखन तो बाद इस क्वेश्चन नू सोल्व करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल पीपीएससी के अंदर। देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनके बारे पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिनी हाँ। फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं अपने मौलिक कर्तव्य ने। ओरिजिनल जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी ना 1950 दे, ठीक है, अदों फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं सी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़े फ्रेमर सी बनाने वाले, उन्होंने ये समझे ही नहीं कि आपू फंडामेंटल ड्यूटीज की भी जरूरत है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना फंडामेंटल राइट तो सी पर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं सी। हुण देखो, हर जो जो मैं इत्थे बोल रही हाँ, जो जो पीपीटी टाइप किया है, इन्हें विचों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन के आए हैं। मान लो तुहानू क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज बारे, उन्हें यह कहता एक लाइन चो ने यह लिखता कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज सी, बट नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं सी। हुण फंडामेंटल ड्यूटी आईया क्यों, क्यों जरूरत पई? तुहानू पता 1975 के अंदर ना एमरजेंसी लग गई सी, नैशनल एमरजेंसी। नैशनल एमरजेंसी अपने इंडिया च तीन बार लग चुकी है, 1962, 1971 ते 1975। इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान और 1975। हुण 1975 च जदों नैशनल एमरजेंसी लगी सी, उस टाइम ते जिहड़ी प्राइम मिनिस्टर सी ना वह कौन सी, इंदिरा गांधी सी। इंदिरा गांधी ने की किया, जो उस टाइम ते प्रेजीडेंट सी फखरुद्दीन, उन्होंने कहता रातों रात तुसी एमरजेंसी लग दो। 25 जून 1975 नूं एमरजेंसी लग गई सी। उस तो पहले ना 1971 दा जिहड़ा अपना लड़ाई हुई सी ना इंडिया ते पाकिस्तान की, उस तो बाद बहुत ज़्यादा जिहड़ी होंदी ना भुखमारी जिहनूं बोलते हैं कि अनइंपलॉयड हो गए सी लोग, कुछ भी नहीं बचा सी, GDP बहुत ज़्यादा थले आ गई सी, ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट। तो इंदिरा गांधी ने रातों रात एमरजेंसी लगा दी। ये एमरजेंसी वाला टॉपिक भी आप पढ़ांगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीन तरह की एमरजेंसी होंगी, नैशनल, स्टेट ते फाइनैशियल, 352, फिर 356, फिर 360। जो रातों रात एमरजेंसी लग गई, उस तो बाद जो घरे मिनिस्टर से ना कैबिनेट मिनिस्टर घरे बह के देख रहे ने कि आ की होया रातों रात एमरजेंसी लग गई। अज के टाइम च एक बार इनू रिमूव करता मैं, ठीक है। अज के टाइम च ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, मान लो अपने नरेंद्र मोदी जी ने,
अगर वो प्रेसिडेंट नु कह देना कि तुसी एमरजेंसी लगा दो, तो प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर ते कहने ते एमरजेंसी लगा दो करा तो नहीं। हुन जिहड़े रूल्स ने ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए ने। पहला किसी प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी सी उन्होंने 1975 च प्रेजीडेंट जोसी फखरुद्दीन नु कहता कि एमरजेंसी लगा दो, रातों रात एमरजेंसी लगी, कैबिनेट नु पता ही नहीं। बट आज दे टाइम ते प्राइम मिनिस्टर दे कहने ते प्रेजीडेंट एमरजेंसी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि प्रेजीडेंट नु एमरजेंसी लगाने के लिए पूरी कैबिनेट की रेकमेंडेशन लेनी पेगी। अगर कैबिनेट साइन करेगा तो ही प्रेजीडेंट लगा सकता है, अदरवाइज प्रेजीडेंट नहीं लगा सकता। ठीक है, हुनों रातों रात एमरजेंसी लग गई 1975 में। 25 जून 1975 लगन वाली एमरजेंसी 2 साल तक चली, 1977 तक। उस दौरान इंदिरा गांधी ने मतलब सबने ये सोचा कि आपां नूं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लैके आनिया चाहिए ने। 1976 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आईया। मैं तुहानू सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस वास्ते दे रही हाँ क्योंकि मैं तुहानू यह दसना चाहनी हाँ कि अगर तुसीं कोई चीज़ नूं रट्टे मार के याद करोगे तो तुसीं नहीं कर पाओगे। अगर उन्होंने एक कहानी बना के देखो, तुसीं इंडिया च रहिंदे हो, एक इंडिया के सिटीजन हो, ओके, तुहानू पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ने, मौलिक कर्तव्य की है। असं सिटीजन हाँ, सानू पता होना चाहिए, तुहानू फंडामेंटल राइट पता ने, फंडामेंटल ड्यूटी भी पता होनी चाहिए ने। तो 1976 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी, उस टाइम पर जो भी कांग्रेस सरकार सी उन्हें एक कमेटी बनाई, सोहन सिंह कमेटी, आपां नूं रिमूव कर लैंदे आ नाल नाल। सोहन सिंह कमेटी बनाई, सोहन सिंह कमेटी नूं कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह कहा कि तुसी दसो कि आपां नूं फंडामेंटल ड्यूटीज़ दा चैप्टर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैके आना चाहिए या नहीं आना। तो सोहन सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया यस, फंडामेंटल ड्यूटी आपां नूं लैके आनिया चाहीदियां ने, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक तरह दी मोरल ड्यूटीज़ ने। अगों आपां सारा कुछ पढ़ते हैं, फिर मैं धीरे धीरे दसांगी। ठीक है, आपां इहनूं कर लैंदे आ रिमूव। देखो पार्ट फोर्थ ए दे अंदर आंदियां ने, किहड़ा पार्ट है? पार्ट फोर्थ ए। जदों भी किसी भी पार्ट के अंदर ए कैपिटल च लग्या होंदा ना, तो तुसीं ए मान के चलो इहनू कोई अमेंडमेंट दे जरिए लिआंदा गया। ओके, आर्टिकल केड़ा है? 51A। वन सैकेंड, ऑप्शन सी की है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, सी पॉइंट की है, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। हम PBSC के अंदर ना एवं ना क्वेश्चन एक्सपैक्ट कर लिए कि अमेंडमेंट के जरिए आया है, किहड़ा आर्टिकल है, किहड़ा पार्ट है। हाँ, स्टेटमेंट बन के एक लाइन जरूर लिखी आ सकती है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, मतलब आप अगर फंडामेंटल ड्यूटी आप लैके आए तो किन्दे तो आप इंस्पायर हुए USSR जो आज के टाइम पर रशिया है। ओके, यहोजियां डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने ना, सॉरी USA, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिवेलप्ड ने, तो उन्होंने सिटीजन ऑलरेडी पता है कि मौलिक कर्तव्य है। नैक्सट है, थो द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ओनली द फंडामेंटल राइट्स नोट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये मैं तुम्हें हमने ही दसिया कि जो राइट्स ने, जो ड्यूटीज़ ने, आ स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान नाल पढ़ना, एंड एक क्वेश्चन भी बने आया है। ठीक है, UPSC के अंदर आया सी कि जो राइट्स है ड्यूटीज़ ने सिटीजन के कोरिलेटिव तो इनसेपरेबल होंगे ने, यस होंगे ने। अगर जिथे थोड़े अधिकार ने, राइट्स ने, उत्थे थोड़े ड्यूटीज़ भी नाल नाल ही चलदियां ने, कर्तव्य भी कुछ बनते हैं थोड़े। बट उन्हें क्या, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कल फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं सी। ठीक है, हालांकि जो DPSP ने ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए सी कि स्टेट नु क्या जानता है कि तुसी अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है, इस DPSP नु ध्यान च रखना है। ओके, उस तो बाद की होंगे, इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1976 के अंदर ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो सी वो एडेड कितिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये भी स्टेटमेंट बन के आ सकती, 1976 की जगह 1979 दे सकता, 1980। इस PPT के अंदर और मैं जो बोल रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर नैब के कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर से थोड़ा पेपर आंदा है अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, तो मैं जो भी पढ़ाया, जो भी बोलिया, जो भी PPT लिखा है, तुम क्वेश्चन ईजली पेपर से सोल्व कर सकते हो, ये मैं दावा करती हूँ। यस, ठीक है। इन 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड। तुम्हें पता है पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी से फिर 11 हो गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी। नैक्सट, रेकमेंडेड बाय सोहन सिंह कमेटी, मैं दसिया सी है ना, सोहन सिंह कमेटी ने इन्हू रेकमेंड किया क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने सोहन सिंह कमेटी ने कहा कि दसो कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए नहीं, उन्होंने कहा होनी चाहिए ने। बट जो सोहन सिंह कमेटी से ना, उन्होंने रेकमेंड किया कि 8 फंडामेंटल ड्यूटी ले आओ। बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो सी, उन्होंने कहा 8 नहीं 10 लैके आवेंगे, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किनिया आई 10।
देखो ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट एंड देखो ना जिन्ने भी क्वेश्चन बनने वाले ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइन टू सिटीजन्स ओनली, डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरनर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना सी मैं, पर हाईलाइट करना बोल गई कोई गल नहीं। देखो जो फंडामेंटल राइट होंगे ने ना, कुछ फंडामेंटल राइट फॉरनर भी दिते जाते हैं। देखो फंडामेंटल राइट सिटीजनस भी मिलते हैं और कुछ फॉरनर भी मिलते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो ने ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सिर्फ सिटीजनस ने। उत्थे तुहानू स्टेटमेंट आ जाएगी फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइन टू बोथ सिटीजनस एंड फॉरनर, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइन टू सिटीजनस ओनली, डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन जस्टिशियेबल इन नेचर लाइक DPSP, इतने आई नहीं आना ठीक है। DPSP देखो नॉन जस्टिशियेबल का मतलब क्या होता है, नॉन इनफोर्सेबल। अगर तुम 11 फंडामेंटल ड्यूटी, मान लो तुम कोई फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं की, मौलिक कर्तव्य ने थोड़े तुसी कोई पूरा नहीं किया कि तुहाडे अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है कोर्ट च, नहीं हो सकती, तो यह नॉन जस्टिशियेबल ने। DPSP भी नॉन जस्टिशियेबल होंगे ने। ओके अगर मैं कह कि इन्हें 11 फंडामेंटल ड्यूटी ना एक ड्यूटी नहीं पूरी की जी, चलो जी तुहाडी कोर्ट च मैं देके आनी है तुहाडी खबर कि तुसी ये नहीं पूरी की, तो जिन्हें पढ़े उन्होंने पता है कि जी फंडामेंटल ड्यूटीज ने वो नॉन जस्टिशियेबल ने नेचर के अंदर। नैक्सट Constitution does not provide for their direct enforcement by the court. Most important line. वही सेम है, Constitution does not provide for their direct enforcement. Constitution ने कुछ प्रोवाइड नहीं कराया कि इनकी डायरेक्ट इन्फोर्समेंट होएगी कोर्ट तो, नॉन इन, क्योंकि है ही नॉन जस्टिशियेबल, क्योंकि है ही नॉन इन्फोर्सेबल। देयर इज नॉट लीगल सेंक्शन अगेंस्ट देयर वायोलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तुम्हें स्टेटमेंट पता की आ जाएगी, देयर इज लीगल सेंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट, तो याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड, देयर इज नॉट लीगल सेंक्शन अगेंस्ट देयर वायोलेशन, पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स दैम बाय सुटेबल लैजिस्लेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एदा मतलब यह है कि पार्लियामेंट, तुम्हें पता है लोकसभा, राज्यसभा तो प्रेजीडेंट के नाल मिलकर बनी पार्लियामेंट। ओके पार्लियामेंट है जो लॉ बनाती है ठीक है, स्टेट्स के अंदर स्टेट लैजिस्लेचर होती है। ओके देखो पार्लियामेंट चाहे ना जी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ने एना लॉ बना के इन्हों इनफोर्स भी करा सकती है। मान लो उन्हें एक चक लिया तुसी आपके नैशनल एंथम, नैशनल फ्लैग का जोड़ा सतिकार करना है ठीक है, आदर करना है, तो तुसी उन्हों कल चक के पार्लियामेंट उन्हें थे लॉ भी बना सकती है। तो पार्लियामेंट इज फ्री टू इनफोर्स दैम बाय सूटेबल लैजिसलेशन। इस 11 फंडामेंटल ड्यूटीज से ना कितने ना कितने ना कुछ निकल के लॉ भी बने हुए हैं वैसे ठीक है। नैक्सट हम देखो कि फंडामेंटल ड्यूटीज ने मोस्ट इंपोर्टेंट ने। देखो अगर पेपर के अंदर तुम नैब या कोऑपरेटिव की तैयारी करते पे हो तो फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP और फंडामेंटल राइट, ये थानू एंड सारे जिन्हें भी होंगे ना फंडामेंटल ड्यूटी 11, DPSP के 36-51 लैके एक्ट, तो उस तो बाद फंडामेंटल राइट के 12 तो लैके 35 ठीक है, ये थानू आने चाहिए ने। क्योंकि उत्थे पता क्वेश्चन किवें आता है, कहते जो ये दस दिता है, एक ने मान लो कोई आर्टिकल देता फंडामेंटल राइट का आर्टिकल देता, तो उन्हें यह पूछेगा ये फंडामेंटल राइट है, DPSP है या फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इस करके थानू फंडामेंटल ड्यूटीज़ नू, फंडामेंटल राइट, DPSP बिल्कुल ध्यान दे नाल पढ़ना है। वन सेकेंड हाँ देखो अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पैक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नैशनल फ्लैग एंड नैशनल एंथम। तुम नैशनल फ्लैग, नैशनल एंथम का आदर सत्कार करना है। चैरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नैशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो आप आज़ादी लीती उस टाइम पर जो भी आइडिया से उन्होंने अज भी, मतलब जो भी आपने करके शहीद होए जो भी है उन्होंने आदर सत्कार आपको नहीं भूलना चाहिए, मतलब उन्होंने भी एक इज्जत देनी चाहिए है क्योंकि उन्होंने अपने भारत को आज़ाद करवाया। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको प्रोटेक्ट करनी चाहिए है इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। डिफेंड द कंट्री एंड नैशनल सर्विस एंड कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जदों कहा जाए कि तुहाडी जरूरत है इंडिया नूं कि तुसी नैशनल सर्विस दो, मतलब लोग आर्मी च जाते हैं, बट ये है ना बस 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एक तुहाडे मोरल ड्यूटीज ने। मोरल ड्यूटीज का मतलब पता क्या हूँ, जिवें आपां कहा जाता है आपके माँ बाप की सेवा करो। ओके अगर मान लो तुसी आपके पेरेंट्स की सेवा नहीं की, आपके दादी दादा की सेवा नहीं की, मैं एक सिर्फ एक एग्जाम्पल लै रही हूँ, मान लो नहीं करते तो आप कहने तुहाडे अगेंस्ट कोर्ट इस तो नहीं जाया जा सकता,
तो तुसी एक मोरल ड्यूटी समझ के करते हो ना कि सानू आदे पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करनी है, सानू आदे वड्डियां की रिस्पैक्ट करनी है, तो एवें ही उन्होंने कहा फंडामेंटल ड्यूटीज तुहाडे लई एक मोरल ओबलीगेशन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, वन सेकेंड। ठीक है, प्रमोट हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडियन ट्रांसकेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेडिकेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वूमेन। मतलब तुम हारमनी पैदा करो, एक भाईचारा बना के रखो आपस में। आपको क्या जाना है ना कि हर धर्म बराबर है, किसी के नाल डिस्क्रिमिनेट ना करो, तो एक फंडामेंटल ड्यूटी से गल लिखी गई है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, अपना जो भी कल्चर है उन्होंने आप प्रिजर्व करके रखिए, आने वाले टाइम से अपनी पीढ़ियाँ भी उन्होंने देख सकन। ओके, नेक्स्ट है, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। सॉरी, फास्ट फास्ट बोलना ना, वन सेकेंड। इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। धीरे धीरे बोलते हैं, फास्ट फास्ट ना एकदम, चलो। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रोटेक्ट करो, इंप्रूव करो नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक। देखो अपना जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, अपन उनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुँचावे तो अपने नाल भी उवें ही होएगा। ओके, डिवेलप साइंटिफिक टैंपर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी इतने ना स्टेटमेंट आ जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो बच्चे को पता ही नहीं चलता। वो कहता ना ये कि जड़ी है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, एब्स्योर वायलेंस। ओके, वायलेंस खत्म करो। महात्मा गांधी जी जिम्मे कहते हैं, स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लैवल ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट। ओके, आप अगे आइए कोई भी खोज करन दे मामले च। प्रोवाइड ओपरचुनिटी फॉर एजुकेशन टू इस चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, 6 to 14 के बच्चे को एजुकेशन दी जाए। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 दे एक फंडामेंटल राइट भी है, तो दसा कि आर्टिकल के अंदर है। यही सी फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना बन के पेपर के अंदर, नैप कोऑपरेटिव के अंदर, तो तुसी अगर फंडामेंटल ड्यूटीज चो टॉपिक चो क्वेश्चन आता है, तुसी ईजली सोल्व कर पाओगे ये वीडियो देखने तो बाद। हुण आपां क्वेश्चन देखते हाँ, क्वेश्चन की सी आपां कर लैने रिमूव। तुसी भी पोज करके क्वेश्चन खुद सोल्व करना है। उन्हें क्या फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिशेबल इन नेचर, फर्स्ट स्टेटमेंट है। देखो गलत है, मैं हुण ही दस्या सी नॉन जस्टिशेबल है। फर्स्ट गई चली, क्योंकि उन्हें पूछा करैक्ट की है, फर्स्ट तो गई, आ भी गई चली, आ भी गई चली। हुण रह की गया, या तो ऑप्शन ए होएगी आंसर सही, या बी होएगा। एडेड बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, गलत, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ठीक है, ए तो बी तो हाले चलता पाया। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर। ये भी मैं उन्हें तुम दसा, फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीजनस को ने, फॉरनर को नहीं है। थर्ड भी चलेगी, ए भी चलेगी, हूँ रह की गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रह गया तो ऑप्शन बी तो सही होएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट कट हो गया, तो ऑप्शन बी रह गई। पार्लियामेंट इज फ्री टू इनफोर्स दैम बाय सुटेबल लेजिस्लेशन। ऑप्शन बी इज अ राइट ओनली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ठीक है, कल अपनी जी क्लासिस आनी ने आनी है पंजाब जीके दी, पंजाब जीके, पंजाब का करंट। ठीक है, साइंस दा बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड बारे पढ़ा। ठीक है, नाल मैं MCQ भी लैके आऊँगी कि किमें क्वेश्चन आते हैं। ओके, नैक्सट आप करंट अफेयर्स, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या एनवायरमेंट, या इकनोमी जो भी है। ठीक है, ये तीन क्लासेस कल आन गया। देखो पोलिटी के अंदर ना एक्ट जड़े रह गए ना 1919, 1935, 1947, ये आप करा मंडे न, क्योंकि मंडे ट्यूजडे वैडनसडे आप करते हैं ना पोलिटी, मॉडर्न हिस्टरी, तो करंट अफेयर। तुम जाके वीडियो देख सकते हो जिद मैं दसिया की शेड्यूल है क्लासिस का और कि सब्जेक्ट्स आप पढ़ने हैं। तो ये वाला एक्ट आप करके ना पॉलिटी के अंदर 1919, 1935, 1947 मंडे पहले मैं आह वाली वीडियो अपलोड कर दाँगी एक्ट की, फिर आप 1857 का रिवोल्ट भी कर लाँगे। आप मॉडर्न हिस्टरी का इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि मैं क्या एक्ट खत्म हो जाए फिर आप मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट करा, बिकॉज मॉडर्न हिस्टरी आप आराम के ना समझ सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी, अगर तुम्हें मेरी वीडियोज पसंद आ रही ने तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करो। ठीक है, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर मैं तुम्हें एक फ्री कंटेंट दे रही हूँ, PDF बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये सिर्फ मकसद यही है कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मदद हो सके। देखो जो तो PPSC के अंदर एक लैवल की GK आती है ना, तो बच्चा कवर नहीं कर पाता, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि मैं सबकी हेल्प करा। बट तुम वो बदले शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सबसक्राइब कर सकते हो, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। ओके,